हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर कितना है। मींस ये तो हम लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड एक आयोनिक होता है, कोवेलेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बॉन्ड फॉर्म हो तो आयोनिक, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हो तो कोवेलेंट। शेयरिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में रहता है। आयोनिक बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वन एटम से निकल के दूसरे में चला जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है अब तक। हालांकि एक बात मैं बता चुका हूँ पहले ही से कि 100% कुछ भी नहीं होता है। 100% कोवेलेंट बॉन्ड कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होता है। उसी तरह से मैं बताने जा रहा हूँ कि 100% आयोनिक बॉन्ड भी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट करके डेवलप हो जाता है। आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर कैसे डेवलप होता है, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर डेवलप कैसे होता है और वो कोवेलेंट करेक्टर किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है, इस सबका स्टडी फजांस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और यही वजह है कि इस टॉपिक को लोग फजांस रूल भी बोलते हैं। फजांस ने बताया था एवरी आयोनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट करेक्टर एंड दैट कोवेलेंट करेक्टर डिपेंड्स अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। अब पोलराइजिंग पावर कैटायन क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फजांस के अकॉर्डिंग टू फजांस रूल एवरी आयोनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट करेक्टर एंड दैट कोवेलेंट करेक्टर डिपेंड्स अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। दिस इज फजांस रूल, ये फजान का बोलना है। लेकिन उस चीज को जो इन्होंने बताया था उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्रामेटिकली, फिर मैं फजांस रूल यहां लिखूंगा। तो देखो जी, जैसे आपने देखा सोडियम क्लोराइड को पढ़ते आ रहे हो कि सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड है। यहां पे सोडियम क्लोरीन के बीच सोडियम प्लस सीएल माइनस है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो यह आयनिक बॉन्ड है, एवरीबॉडी नोज। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये बॉन्ड हुआ कैसे। तो सोडियम ने वन इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद सोडियम प्लस बन गया, और सीएल ने वन इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद सीएल माइनस हो गया। सीएल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस इलेक्ट्रॉन को कहां रखता है जी, अपने आउटर मोस्ट सेल में रखा। वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से लिया है उसके आउटर मोस्ट सेल में रहता है, ये सीएल माइनस है। अब यह क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद सीएल हो गया निगेटिव, सोडियम हो गया पॉजिटिव। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सोडियम बिकम्स पॉजिटिव एंड क्लोरीन बिकम्स निगेटिव। अब सोडियम करता क्या है कि जो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया उसको खींचना शुरू करता है, क्योंकि कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये नेचुरल है। अब जब सोडियम प्लस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही सबसे पहले अट्रैक्ट होगा। अब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड का मीनिंग समझते हो आप, क्लाउड का मीनिंग होता है जहां पे क्या हो, एक रीजन हो जहां पे कुछ मूव करता हो। जैसे बादल क्या है, नथिंग, इट इज वॉटर ड्रॉपलेट ऑन द डस्ट एंड अदर समथिंग, उस डस्ट लाइक पार्टिकल्स उस पर फ्लोट करते रहता है आपका क्या, वाटर ड्रॉपलेट। उसी टाइप से यहाँ पे न्यूक्लियस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है हमेशा, इसलिए आउटर मोस्ट सेल को यहाँ पे हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं और बोलते हैं। अब होता क्या है कि सोडियम प्लस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने लगता है। इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे नियर बाई मीन्स कटायन के नियर बाई में जो एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर डिस्टॉर्शन आता है। इस डिस्टॉर्शन की वजह से अब सोडियम प्लस इस सीएल माइनस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर इसी फिगर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सीएल माइनस पहले जो ऐसे था वह ऐसे हो जाता है, मीन्स इसके तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब इसके तरफ शिफ्ट होने की वजह से
अब डिस्टॉर्शन हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, डिस्टॉर्शन राइट मींस जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है सीएल को, उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम खींचने लगता है और खींच करके सोडियम प्लस सीएल माइनस के बीच में लाने लगता है। एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मींस जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो दोनों एटम के बीच में रहता है। तो होता है यहां भी वही होने लगता है, मींस आयनिक बॉन्ड का कटायन अपने एनायन को, नियर बाई एनायन को जिसको इलेक्ट्रॉन देकर के एनायन बनाया है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच करके बीच में लाने लगता है। और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन की वजह से हमारे इस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। और इसी कोवेलेंट कैरेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में फजांस ने बताया कि यह कोवेलेंट कैरेक्टर कितना डेवलप होगा और एक कोवेलेंट कैरेक्टर का डेवलपमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में फजांस ने बताया। तो क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो कटायन नियर बाय एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, यह फजांस रूल बताता है। तो मैं आपको ये बात बताया कैसे डेवलप हुआ, मीन्स दुनिया का कोई भी आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं हो सकता है जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ना हो। तो फजांस रूल, फजांस रूल क्या है, इवरी आयनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर कैरेक्टर ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाय कटायन। यह है फजांस रूल। फिर आगे यह है कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर मींस परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन polarizing power of cation and polarizability of anion depends upon polarizing power of cation, polarizing power of cation and polarizability of anion, polarizability of anion मीन्स ये आपका हुआ फजांस रूल। मीन्स फजांस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो इवरी आयोनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाय कटायन। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन। This is फजांस रूल। अब मैं वही बताऊंगा कि पोलराइजिंग पावर कटाने का क्या होता है और पोलराइजिबिलिटी बनाने का क्या होता है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में डेवलप कैसे होता है वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। नाउ डेफिनेशन ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन का डेफिनेशन होता है, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नियर बाई एनायन। अपने बगल वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने का जो कैपेबिलिटी होता है कटायन को, उसको हम लोग उसका पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। देखिए कैपेबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट नियर बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन।
पोलराइजिंग पावर कटान का किस पे डिपेंड करेगा है? बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब आगे बता रहा हूँ पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन। पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन का डेफिनेशन होता है कि जिस अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना ईजिली आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो, जिस अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना आसानी से आप खींच सकते हो, उसका पोलराइजिबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अब किस अनायन के इलेक्ट्रॉन को ईजिली कोई कटान अट्रैक्ट कर सकता है? तो जिस अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लियस से लूजली अट्रैक्टेड होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। अब लूजली बॉन्डेड कौन होगा? जिसका साइज बड़ा होगा। तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा, अनायन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, उस इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, उस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना ही क्या होगा, ईजियर होगा। इसलिए एनायन का पोलराइजिबिलिटी उसके साइज बढ़ने के साथ क्या होता, बढ़ता है। इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। एज फॉर एग्जाम्पल, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस में ऊपर से नीचे आओगे, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ रहा है, जी पोलराइजिबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि साइज बढ़ने से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, जिसके वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ईजियर होता है, और इस तरह से पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह हुआ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन मीन्स पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है चार्ज ऑफ कटायन, चार्ज एट कटायन। कटायन के पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, मीन्स पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट एट कटायन। कटायन इसका मीनिंग यह हुआ, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ एल्युमिनियम 3+ में अगर हम लोग पोलराइजिंग पावर का इसका ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम 3+ का, उससे कम मैग्नीशियम 2+ का, सबसे कम सोडियम प्लस का। यह हुआ ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, राइट। अब दूसरा फैक्टर है आपका साइज ऑफ कटायन। कटायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही छोटा होगा, मीन्स पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। कटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मींस ऊपर से अगर किसी ग्रुप में चलो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, चार्ज तो सेम है बट साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने का मीनिंग यह हुआ पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा, पावर डिक्रीजेस। देखो जी, चार्ज और साइज दोनों को एक साथ मिलाकर पोलराइजिंग पावर की बात करें तो बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, मींस पोलराइजिंग पावर कटायन का चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी में आपसे पहले भी डिस्कस किया हूं, चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज बाय साइज। इसी पे एक्चुअल में हमारा पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर अलग अलग है, चार्ज में बताया फिर साइज में बताया, लेकिन दोनों को मिला कर दिया जाए चार्ज साइज को तो बन जाएगा चार्ज डेंसिटी। आप कटायन का चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, मींस पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ कटायन। इसको लिख सकते हैं, मींस
polarizing power of cation power is directly proportional to charge density of cation. Charge density of cation. राइट अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स का परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर का कंपेरिजन करेंगे. जो रूल्स है हमारा फजांस रूल्स बेसिस पे, फजांस के अकॉर्डिंग पहले ही मैं बता चुका हूँ कि फजांस के अकॉर्डिंग प्रोडाइजिबिलिटी और प्रोडाइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, कटायन का प्रोडाइजिंग पावर एन आयन का प्रोडाइजिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. मीन्स परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रोडाइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड प्लोराइजिबिलिटी ऑफ एनायन. मीन्स अगर कोवेलेंट कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड में प्लोराइजिंग पावर कटायन का बढ़ेगा तब भी परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा. अगर प्लोराइजिबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा तब भी कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा. अब इसी दो फैक्टर के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं आपको ये बता चुका हूँ कि प्लोराइजिंग पावर कटायन का कटायन के चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है. चार्ज डेंसिटी चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है. सब कुछ आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वन बाय वन के कुछ एग्जांपल ले रहे हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड. इनके परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर को हमें डिस्कस करना है. तो यहाँ पर देखो जी, जब भी मोर देन वन आयोनिक बॉन्ड में आपको परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर का कंपेरिजन करना होगा तो पक्का उस मोर देन वन आयोनिक बॉन्ड में कोई एक कॉमन होगा. कटायन एनायन दोनों ही अगर वेरिएबल होगा तो उस केस में हम लोग परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर बताने में काफ़ी मुश्किल फील करेंगे और हो सकता है नहीं भी बता सकते. लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम का आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसमें कटायन नैन में कोई एक कॉमन पक्का रहेगा. मींस आपको डिसीजन किसी एक के बेसिस पे ही लेना है. जैसे यहाँ पे देख लो, सब में एनायन कॉमन है तो यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कटायन. मींस कटायन का प्रोडाइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. आपको पता है कि कटायन के साइज बढ़ने से प्रोडाइजिंग पावर उसका घटता है, तो ऊपर से नीचे साइज ऑफ कटायन क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है. साइज ऑफ कटायन इंक्रीजेज तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है. तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीज होगा. तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सब में सेम है, सब में प्लस वन चार्ज है, ओनली साइज चेंज हो रहा है. तो चार्ज कांस्टेंट है लेकिन साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सॉरी, साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज होने से पोलराइजिंग पावर कटायन का डिक्रीज होगा. पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने से कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा. परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीजेज. मीन्स सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें होगा जी, लिथियम क्लोराइड में, मोस्ट कोवेलेंट. राइट, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. हियर ऑल्सो एनायंस आर कॉमन, सब में सीएल है एनायन के तौर पे, तो कटायन विल डिसाइड परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर. सोडियम पे प्लस वन, मैग्नेशियम पे प्लस टू, एल्युमिनियम पे प्लस थ्री एंड कार्बन प्लस फोर चार्ज है. तो आप देख रहे हो जब चार्ज लेफ्ट टू राइट साइड चार्ज बढ़ रहा है, कटायन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा प्रोडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो इस लेफ्ट टू राइट जाओगे तो चार्ज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है. चार्ज ऑफ कटायन इंक्रीजेज तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज. राइट, तो CCl4 क्या हो गया जी, मोस्ट कोवेलेंट.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं रहा हूं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। इस बार देखो जी कटायन कॉमन है तो कटायन के उसे डिसाइड नहीं, कौन डिसाइड करेगा? अनायन। अनायन का साइज ऊपर से जो बढ़ रहा है, अनायन के साइज बढ़ने का मीनिंग हुआ पोलराइजिबिलिटी बढ़ रहा है, पोलराइजिबिलिटी बढ़ रहा है इसका मीनिंग हुआ कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ऑफ अनायन इंक्रीजेस तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीजेस तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। नाउ इफेक्ट ऑफ सुडोनोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड कोवेलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। इफेक्ट ऑफ सुडोनोबल गैस कॉन्फिगरेशन, देखो जी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कॉपर क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड। अब इसे हमें प्रूफ करना है, कैसे हो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट यह है, थ्योरेटिकली प्रूफ करना है। तो थ्योरेटिकली प्रूफ करने के लिए हमें क्या देखना रहता है जी, हमें आयनिक कंपाउंड के कटायन एनायंस को देखना है। तो बोथ हैव कॉमन कटायन, यहां भी सीएल वहां भी सीएल, तो सीएल कांट डिसाइड कोवेलेंट करेक्टर, तो हु विल डिसाइड? सो कटायन विल डिसाइड कोवेलेंट करेक्टर इन दिस कंपाउंड्स। यहां कॉपर प्लस है, वहां सोडियम प्लस है, मींस बोथ हैव प्लस वन चार्ज, कॉपर प्लस, यहां कॉपर कोर प्लस, यहां सोडियम कोर प्लस, दोनों ही कटायन के पास चार्ज सेम है, तो कौन डिसाइड करेगा साइज? एक्सपेरिमेंटली देखो कॉपर प्लस का साइज होता है 0.96 एंगस्ट्रम एंड सोडियम प्लस का 0.95 एंगस्ट्रम, मीन साइज इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब कटायन का चार्ज सेम, साइज सेम, तो पोलराइजिंग पावर के बारे में तो हम ही पढ़े हैं कि चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों का चार्ज डेंसिटी भी सेम हो गया, एनायन सेम है, तो फिर कैसे हमारा कॉपर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से मोर कोवेलेंट हो गया? दिस इज द पॉइंट वी हैव टू एक्सप्लेन इट। तो कैसे होगा सुनो, देखो जी कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, वो है आपका पूरा कंप्लीट चलो लिखता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 रहता है तो निकल गया। तो आप देख लो अब आओ कॉपर प्लस का आउटर मसल क्या हो गया, 3 हो गया, कॉपर प्लस का आउटर मसल 3 हो गया, और इस आउटर मसल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, 18 है, देख लो 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2, 4, 2 और 6, 8 और 10 मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम प्लस के पास आइए 1s2 2s2 2p6 3s1 तो निकल गया, तो यहां पे आउटर मसल क्या हो गया, 2 हो गया, आउटर मसल अब सोडियम प्लस के आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जी, 8 है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले को बोलते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है मींस एलिमेंट हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यह कहलाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बट जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो उसको कहा जाता है सुडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबल गैस का मीनिंग होता है, सूडो का मतलब होता है क्या, नॉट रियल, छद। सूडो नोबल कॉन्फिगरेशन का मीनिंग हुआ कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जैसा नहीं है लेकिन वैसा लगता है। अब इस सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के होने के वजह से क्या इफेक्ट होता है उसको देखो। तो देखो जी, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जिसके पास भी होगा उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मींस उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में होगा, 6p में होगा और 10d में होगा। मींस जिसके पास भी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा उसका डी सबसेल फुलफिल्ड होगा। डी सबसेल फुलफिल होने का क्या इफेक्ट होगा, तो मैं आपको बताया हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो सबसे ज्यादा एस के इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, सबसे कम एफ का। तो डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी से कम होता है। इसकी वजह से अगर किसी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो उस एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपेक्टेड से कम होगा। और उसके इफेक्ट से क्या इफेक्ट होता है दी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है जेड इफेक्टिव इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप सबको बात पता है, मैं पहले से फॉर्मूला पढ़ाया हूं। अब सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जिस भी एलिमेंट के पास है उसके डी सबसेल फुलफिल है। डी सबसेल फुलफिल्ड होने का मीनिंग हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना होना चाहिए एस और पी के रिस्पेक्ट में उससे कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेड जब कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो क्या होगा जी, आपके कटायन का पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब हुआ कि कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस एक और पॉइंट में मिल गया, मींस एक और पॉइंट मिल गया कि पोलराइजिंग पावर जो कटायन का होता है वह पोलराइजिंग पावर जो कटायन का रहता है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करता है। पोलराइजिंग पावर पावर इंक्रीजेस पोलराइजिंग पावर इज हायर इंक्रीजेस नहीं हायर व्हेन कटायन हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मींस कटायन का अगर कॉन्फिगरेशन सूडो नोबल गैस होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले एलिमेंट के पास डी सबसेल फुलफिल्ड होता है एंड डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी के रिस्पेक्ट में कम होता है। इस वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले कटायन का। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है जी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है और पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। सो कॉपर क्लोराइड CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl ड्यू टू हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ कॉपर प्लस ड्यू टू सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की वजह से कटायन का पोलराइजिंग पावर आपका बढ़ जाता है और बॉन्ड के अंदर क्या आ जाता है जी, नोबल बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाता है।